हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सामर्थ। हमारे पिछले वीडियो फैक्ट्स अबाउट पार्टी ड्रग कोकीन, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, उसके कमेंट सेक्शन में हमको शराब के रोजाना सेवन के विषय में वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शराब कहाँ मिलती है और कैसे बनाई जाती है, इन सब बातों का कोई तर्क नहीं है। हम बात करेंगे शराब के एडिक्शन के बारे में। जी हाँ, शराब की तलब के बारे में। जब शराब किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है या डेली रूटीन में शामिल हो जाती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो इंसान एडिक्ट हो चुका है। आप देखेंगे कि ऐसा इंसान अपनी जिंदगी की हर चीज से पहले शराब पीने को प्राथमिकता देगा। आइए जानते हैं कि जब हम रोज पीने लगते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब हम रोज शराब पीने लगते हैं तो उसका सीधा असर हमारे लिवर और पैनक्रियाज पर होता है। पाचन क्रिया में मदद करने वाले रसायनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो कि पैनक्रियाज से बनते हैं। इसके साथ ही हमारे शरीर का शुगर लेवल भी कंट्रोल से बाहर जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन भी पैनक्रियाज में ही बनता है। ज्यादा शराब पीना हमारे पूरे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर डालता है। अगर आप किसी भी रोजाना पीने वाले का लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें तो आप देखेंगे कि उसके कुछ एंजाइम नॉर्मल से ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि उसका लिवर ठीक हालत में नहीं है। इसका फर्क ऊपरी तौर पर नहीं दिखाई देगा, मगर पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। शराब हमारे वाहिका तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम को भी काफी प्रभावित करती है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ धड़कनों में अनियमितता भी शामिल है। शोध से पता चला है कि जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, उनमें हृदयाघात या हार्ट अटैक की संभावना 10-15% बढ़ जाती है। शराब का हमारे शरीर पर प्रभाव एक दिन में पता नहीं चलता, पर शराब की वजह से फैटी लीवर, पैनक्रियाज डैमेज होने के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फर्टिलिटी कम होना और कई सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर, जो महिलाएं ज्यादा मात्रा में शराब पीती हैं, उनका मासिक धर्म रुक सकता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये आदत बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे मिसगैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या रोजाना पीने वाले इंसान के साथ ये होती है कि वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि शराब उसे नुकसान पहुंचा रही है। जो इंसान शराब का एडिक्ट है, उसके साथ ये संभावना अधिक होती है कि वह हर छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए, चाहे उसने पी हो या ना पी हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर चौथे जघन्य अपराध होने के आरोपी का शराब के नशे में लिप्त होना पाया गया है। और तो और, बहुत सारे अपराधों का कारण भी सिर्फ शराब होती है। अगर हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो दुनिया के 199 देशों में भारत पहले नंबर पे आता है। आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2017 में 1.5 लाख जाने केवल सड़क दुर्घटना की वजह से गई, जिसमें से 15,000 लोगों की जाने केवल शराब की वजह से गई। शराब पीने के बाद इंसान में टेम्परेरी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग तेज गाड़ी चलाने का जोखिम उठा लेते हैं और उनका यही कदम उनके लिए जानलेवा साबित होता है। हमारे देश में इस विषय में जागरूकता का अभाव है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क पर मौजूद हर इंसान के लिए खतरा है। इस विषय में लाइसेंस निरस्त करने का और भारी जुर्माने का सरकार द्वारा नया कदम स्वागत योग्य है। रोजाना शराब पीने की वजह से इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक शराबी को कैंसर, निमोनिया और टीबी होने की संभावना 10% तक बढ़ जाती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब तक इंसान शराब न पी ले, उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। उसके साथ हाथ का कांपना, सर दर्द होना, कुछ भी खाने पर उल्टी होना जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। रोजाना शराब पीने पर इंसान की पी जाने वाली मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि शरीर शराब झेलने का आदि हो जाता है। यहाँ समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि ऐसा इंसान शराब पीने के बाद बेहोशी या ब्लैकआउट में चला जाता है, और हो सकता है कि होश में आने के बाद उसको पीने के बाद अपनी की हुई हरकतों के बारे में कुछ भी याद ना हो। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि एक आदतन शराबी को जब शराब से दूर किया जाता है तो वह मतिभ्रम या हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस इंसान को ठीक ढंग से इलाज की जरूरत होती है। शराब का सेवन हानिकारक होता है, ये वाक्य तो खुद शराब की बोतल पर लिखा होता है। तो दोस्तों, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि शराब ना पिए, और अगर पीते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि शराब पीने की कोई सेफ लिमिट नहीं होती। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।